हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह सुंदर सा थालपोच हम कैसे बना सकते हैं। तो इस थालपोच में मैंने कुछ रिपीटेटिव पैटर्न को यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं टू स्टेप्स में मैंने इसे बनाया है। तो ये वीडियो का पार्ट वन है, पार्ट टू भी आप लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं, या तो आप इसके आई कार्ड में देख लीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट टू का लिंक देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप मेरे चैनल पर चले जा सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो इस थालपोच को बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या मटीरियल्स यूज़ किए हैं। तो मैंने इसे दो कलर के यार्न से बनाया है, एक वाइट है और एक रेड है। आप चाहे तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं या मल्टी कलर यार्न से भी बना सकते हैं, इट्स योर विश। तो देखिए मैं जैसे स्टार्ट कर रही हूँ वाइट कलर के यार्न से, तो स्केल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.75 का हुक लिया है। इसके अलावा आपको सीजर्स और स्टिच मार्कर्स चाहिए। तो देखिए स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद हम 6 चेन्स डालेंगे। छह चेन्स डालने के बाद आप पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच डाल लीजिए, जिससे कि हमारे पास एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसी रिंग के अंदर हमें अपना रो नंबर 1 बनाना है। तो रो नंबर 1 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 चेन्स डाल लेते हैं। इसके बाद इसी रिंग के अंदर हमें टोटल मिला के 16 डबल क्रोशे बनाना है। तो जो फर्स्ट 3 चेन हमने ली हैं उनको भी हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, इसके अलावा 15 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो टोटल मिला के हमें इस राउंड में 16 डबल क्रोशे बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 16 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब रो 2 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 चेन ऐड करेंगे जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट को हाइट मिलती है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 चेन्स को हम ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद इस राउंड में हमें हर एक चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट चेन के अंदर ही अब हम इसी सेम चेन में हम एक डबल क्रोशे और बनाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम इसी पैटर्न को हमें पूरे राउंड में रिपीट करना है। 2-2 डबल क्रोशे हर चेन के अंदर बनाएंगे तो हमारे पास टोटल मिलाकर 32 डबल क्रोशे बनेंगे। तो इस राउंड में हमें टोटल 32 डबल क्रोशे बनाना है। लास्ट में देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच डाल के हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा रो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो चेन 3 ले ले रहे हैं पहले, इसके बाद एक चेन और डालेंगे एडिशनल और फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमें इस राउंड में हर चेन में डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन हम एक एक चेन के गैप पर बनाएंगे, मतलब हमको एक एक चेन एडिशनल डालना है, एक एक चेन का इंक्रीज रहेगा हमारे पास। तो एक चेन डालेंगे फिर डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में, फिर एक चेन डालेंगे और फिर डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में। तो इस तरीके से हमें इस राउंड को रिपीट करना है, हर बार हमारे पास एक चेन का इंक्रीज रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने रो नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम इसे यार्न को कट कर देते हैं। यहाँ से कट करने के बाद हम रेड कलर की यार्न यूज़ करेंगे। अब तो सबसे पहले स्लिप नॉट डाल लेते हैं
अब गैप में जाकर हम इस यान को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने यान को डाल लिया। फिर से तीन चेन बनाएंगे। और सेम गैप में हम टोटल मिलाकर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो फर्स्ट तीन चेन को भी हम काउंट कर लेंगे तो हमें टोटल मिलाकर 6 डबल क्रोशे, या फिर आप बोल सकते हैं कि एडिशनल 5 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो यहाँ पे हम एक बट पैटर्न बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें 6 डबल क्रोशे बना लेना है। देखिए इस तरीके से 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। ये देखिए काउंट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से हुक को छोड़ दीजिए और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उसके टॉप पे जो चेन है उस चेन में हुक को इंसर्ट करना है। देखिए इस तरीके से फर्स्ट डबल क्रोशे की चेन में, और इसके बाद इस चेन को लेके इस तरीके से हमें एक स्लिप स्टिच डाल देनी है। तो इस तरीके से ये हमारा बट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम एडिशनल दो चेन, या आप अपना चेक कर लीजिए, अगर आपकी मोटी यान या पतली यान जिस हिसाब से है तो दो दो बट के बीच में आपको कितना टेंशन रखना है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो दो का गैप लिया है, अगर कम पड़ेगा तो हम तीन तीन का गैप ले सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट गैप को स्किप कर देना है और उसके अगले गैप में फिर से हम इस बट पैटर्न को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपको, दो बट्स के बीच में जैसे मैंने दो चेन्स का गैप लिया है, दो चेन्स एडिशनल डाला है, सॉरी इंक्रीज़ किया है, और इसके अलावा हर दो बट के बीच में मैंने एक गैप का स्किप किया है। देखिए देखिए इस तरीके से हमारे पास दो बट्स हो गए हैं। फिर से हम दो चेन डालेंगे, तो हर दो बट्स के बीच में दो चेन का एडिशनल हमको डालना है, और इसके अलावा हर एक नए बर्ड के लिए हमें एक गैप को स्किप करना है। तो इस तरीके से इस राउंड में हमारे पास टोटल मिलाकर 16 बर्ड्स बनेंगे। चलिए लास्ट में स्लिप स्टिच डाल के इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल मिलाकर 16 बर्ड्स बनेंगे इस राउंड में। अब हम फिर से यान को कट कर देते हैं और हम फिर से अब व्हाइट कलर के यान पर स्विच करेंगे। रो नंबर 5 हम व्हाइट कलर के यान से ही बनाने वाले हैं। तो फिर से हम चेन 3 डालेंगे। इस तरीके से हम 3 चेन्स को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इस गैप में हम 5 डबल क्रोशे और बनाने वाले हैं, तो टोटल मिलाकर हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। दो दो बट्स के बीच में हम 6-6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें यही काम करना है, बस हर दो बट्स के बीच में हमें 6 डबल क्रोशे मेंटेन करना है।
देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब रो नंबर 6 के लिए हम फिर से 3 चेन डालते हैं। सबसे पहले इसके बाद 2 एडिशनल चेन डालेंगे, तो टोटल मिलाकर हमें 5 चेन्स डालनी हैं। और थर्ड चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स स्किप करके थर्ड चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए रो नंबर 7 के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं, तो यार्न कट कर लेते हैं और यहाँ से वापस हम रेड कलर की यार्न को अटैच करेंगे। राउंड स्टार्ट करने के लिए 3 चेन्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले अब इसके बाद ये जो गैप है इस गैप के अंदर हम अपना बट बटन बनाएंगे, तो मतलब हमें टोटल मिला के 6 डबल क्रोशे बना लेने हैं। फिर से रो नंबर 4 को रिपीट करना है और इस बार हम जो 2 बट्स हैं उसके बीच में 2 नहीं 3 चेन्स का गैप देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा बट बन गया है। अब इसके बाद हम 2 या 3 जितना आप देना चाहे उतने का दे सकते हैं, आप बस टेंशन चेक कर लीजिए एक बार कि आपका ये टाइट तो नहीं हो रहा है, ना लूज़ होना चाहिए ना टाइट होना चाहिए, बराबर टेंशन रहना चाहिए। तो बस इसी तरीके से हमें हर गैप के अंदर बट्स बनाते जाना है, 2-2 या 3-3 चेन के गैप पे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये रो नंबर 7 कम्प्लीट हो गई है, ये देखिए आप चेक करेंगे, देखिए काफ़ी सुंदर पैटर्न लग रहा है ये और एकदम 3D लुक इसका आता है क्योंकि ये उभरा हुआ पैटर्न है बहुत ज़्यादा। ये बर्ड्स जो हैं ये ऊपर की तरफ उभरी हुई हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा सेटल डाउन होता है। तो ये हमारे पास जो आए हैं अभी टोटल मिलाकर 8 के मल्टीपल में हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम ग्रुप ले लेते हैं एक, तो हम 4-4 बर्ड्स का ग्रुप बनाएंगे अब। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे बर्ड पैटर्न बना रहे हैं, फिर से 2 बर्ड्स के बीच में अब हमें बर्ड्स बनाना है, तो 2-2 के बीच में हम बर्ड्स बनाते जाएंगे फिर से। इसके बाद हम 2 चेन डालेंगे और नेक्स्ट गैप में फिर से हम एक बट बनाएंगे। तो इस बार हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए, 4-4 बट्स का ग्रुप बनाना है। तो जैसे हमने अभी सेकंड बट बन रहा है हमारा यहाँ पे, इस तरीके से हम 2 बट और बनाएंगे और हर 2 बट्स के बीच में हम 2 चेन्स का गैप देने वाले हैं, या आप जितना चेंज का गैप देना चाहे उतना चेंज का दे सकते हैं, इंक्रीज करना है हमें क्योंकि हर राउंड में। इस तरीके से हम यहाँ पे 4 बर्ड सबसे पहले बना लेते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे चार बर्ड्स का ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, तो हम नेक्स्ट ग्रुप में जाने से पहले क्या करेंगे, इंक्रीज देंगे चार या छः चेन्स, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपका पैटर्न अच्छा दिखे आप उस हिसाब से चेन्स दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे चार का गैप लिया है, चार चेन्स एडिशनल बनाई हैं, और फिर नेक्स्ट गैप में हम वापस से अपना बर्ड बनाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, हमें कंटिन्यूस बर्ड बनाते जाना है, बस हमें ये करना है कि हर चार बर्ड्स के बाद हम चार चेन का यहाँ पे इंक्रीज दे रहे हैं। तो इसी तरीके से बस हमें इस राउंड को कंटिन्यू करना है। हर ग्रुप के बीच में चार से छः चेन का आप इंक्रीज दीजिए, और हर दो बर्ड के बीच में हम दो चेन एडिशनल डालेंगे। इसी पैटर्न को हमें एंड तक कंटिन्यू करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो इस तरीके से स्टिच मार्कर लगाकर ग्रुप्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कर लिया है, जिससे कि अगले राउंड में मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ पर ग्रुप्स को अलग करना है। तो चलिए स्लिप स्टिच डाल के इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब रो नंबर 9 के लिए फिर से हम तीन चेन ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से हम बर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चार बर्ड्स जो हमने पहले बनाए थे, उस ग्रुप में अब हम तीन बर्ड्स बनाएंगे। हर दो के बीच में हमारे पास एक बर्ड आएगा। इस तरीके से हमारे बर्ड्स जो हैं हर राउंड में डिक्रीज होंगे, जब तक कि हमारे पास एक बर्ड ना बचे। तो देखिए इस ग्रुप के अंदर अब हम तीन बर्ड्स बना रहे हैं। फिर से हर बार दो चेन का गैप डाल रहे हैं, या दो चेन का इंक्रीज भी बोल सकते हैं आप। देखिए एडिशनल दो चेन डाल के, और उसके बाद फिर से एक और बर्ड बना ले रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट ग्रुप पे स्विच करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें फिर से इंक्रीज़ करना है चेन्स को। तो पहले मैं राउंड में मैंने चार लिए थे, तो इस बार मैं इंक्रीज़ करके आठ कर रही हूँ। आप चाहे तो 10 चेन्स का भी दे सकते हैं इंक्रीज़। फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगी, आप एक बार टेंशन ज़रूर चेक कर लीजिए, आपका पैटर्न लूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, या एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर एक स्किप कर देना है, एक गैप एक स्किप कर देना है, और इसके बाद नेक्स्ट वाले में जाकर हम फिर से बर्ड बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमें हर राउंड में जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उस ग्रुप को डिक्रीज करते जाना है। पहले पांच थे, फिर चार हुए, फिर तीन बर्ड्स हुए, फिर दो, फिर एक। इस तरीके से हमें फॉलो करना है।
इस तरीके का हम ट्रायंगुलर पैटर्न हर ग्रुप में बनाने वाले हैं। देखिए इस तरीके से तीन तीन बर्ड्स का ग्रुप बनेगा, जिसके हर ग्रुप के बीच में मैंने यहाँ पे 8 चेन्स डाली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेन्स डाल सकते हैं। तो एंड तक बस इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है। देखिए दो ग्रुप्स बन गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए हम फिर से वही एडिशनल 8 चेन डालेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हमें ये जहाँ स्टिच मार्कर लगा है उसे छोड़ देना है और नेक्स्ट वाले गैप में हम जाके बर्ड बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने ये तीन तीन के ग्रुप वाला बर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब इस राउंड में हमें क्या करना है, तीन को रिड्यूस करके हमें अब दो बर्ड्स का बनाना है। तो हर तीन बर्ड्स के ऊपर हम दो दो बर्ड्स बनाएंगे, यहाँ पे दो दो बर्ड्स बनाएंगे इस तरीके से, और हर ग्रुप के बीच में हम अब फिर से चेन इंक्रीज करेंगे। तो देखिए इस तरीके से तीन चेन डाल लिए हमने, अब हम फिर से बर्ड्स बनाने वाले हैं। देखिए तो फर्स्ट गैप में हम बना रहे हैं, तो हर ग्रुप में जो बर्ड्स बना रहे हैं हम उनके बीच में दो दो चेन एडिशनल डालेंगे, दो चेन्स इंक्रीज करने वाले हैं, और हर ग्रुप के बीच में जो हम इंक्रीज करेंगे वो हमारे ज़्यादा नंबर्स रहेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप में स्विच करने से पहले हमें चेन्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने चार के मल्टीपल में ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 12 चेन्स लेने वाली हूँ। आप चाहे तो 15 भी ले सकते हैं। अब देखिए 12 चेन्स लेने के बाद हमें देखिए नेक्स्ट इस पे स्विच कर लिया ग्रुप पे हमने, और हम दो बर्ड्स फिर से इस ग्रुप में बनाने वाले हैं। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा पैटर्न दिखेगा। हर ग्रुप में अब हम दो दो बर्ड्स बनाने वाले हैं, तो सेम इसी पैटर्न को हमें इस राउंड में कंटिन्यू करना है।
तो फ्रेंड्स, इस राउंड के साथ ही मेरा ये पार्ट वन का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, आगे कंटिन्यू करने के लिए आप पार्ट टू वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, या आप आई कार्ड में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में।